जेई एडवांस्ड 2019 रैंक मार्क एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम इसमें पूरा इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करेंगे कि जेई एडवांस में 5000 रैंक के अंदर रहने के लिए कम से कम आप कितना स्कोर करें, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि 5000 रैंक ही क्यों, ज़्यादा या कम क्यों नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करेंगे हम रैंक मार्क्स, रैंक जो मार्क्स है उनके रिक्वायर्ड के लिए जेई एडवांस्ड में अंडर 5000 ऑल इंडिया रैंक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि 5000 ही क्यों, क्योंकि अगर अपने 2016 से लेकर 2018 तक देखें तो ऑल इंडिया रैंक में अंडर 5000 जो रैंक के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को अपनी पसंद की NITs और उन NITs, IIIT या फिर IITs में बेहतर ब्रांच मिलती है। तो आपको अपना मोटो ये लेके चलना है कि हमें अंडर 5000 ऑल इंडिया रैंक में आना है। इसलिए मैंने आपको 5000 रैंक के लिए बोला है। तो कुछ डाटा है अपने पास, उन पे हमने अपने एनालिसिस करेंगे कि उन डाटा के हिसाब से आपको मैक्सिमम अब की बार जो है वो कितना स्कोर करना चाहिए। यहाँ पे आपकी रैंक है, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे परसेंटेज। मैं आपको सबसे पहले एक का बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने बात करते हैं 10000। अंडर 10000 रैंक में 2016 से लेकर 2018 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स आए थे तो उनके कितने कितने मार्क्स जो हैं वो रहे थे। जो अंडर 10000 रैंक में 2018 में जो भी स्टूडेंट्स आए थे तो उनके मार्क्स थे 37। 37 मार्क्स थे जो 2018 में जिन भी स्टूडेंट्स के 37 के समथिंग मार्क्स थे वो अंडर 10000 ऑल इंडिया रैंक में आए थे। उसी प्रकार 2017 की बात करें तो 50 मार्क्स थे उन स्टूडेंट्स के जो 10000 की रैंक के अंदर थे। और उसी प्रकार 2016 की बात करें तो वहाँ पे 30 मार्क्स थे। तो इन मार्क्स में इतना कंपैरिजन क्यों? क्योंकि 2016 का जो एग्ज़ाम था वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम था प्रीवियस 10 to 8 years में। सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है 2016 का पिछले 8-10 सालों में। इसलिए आपका जो ये परसेंटेज है इतनी कम रही थी। अपने परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें 8000 रैंक में आने के लिए, तो आपको कितना हो रहा है? 37 से 39, यानी कि 2 की बढ़ोतरी। 50 से 53, 3 की। 30 से 32, यानी कि अगर आपके 2% भी, अगर आपके 2% भी ऊपर नीचे होते हैं तो आपको 8000 रैंक में आना पड़ सकता है। उसके बाद बात करें तो कितना हो रहा है? 3%। यहाँ पे कितना हो रहा है? 3%। और यहाँ पे भी कितना होता है? 3%। यानी कि अगर आपका 3% ऊपर नीचे हुआ तो आपको आना पड़ सकता है 6000 की रैंक में। उसके बाद बात करें आगे की, तो यहाँ पे कितना है? 2%। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि ये जो पूरा खेल है ये 2 से 3% का है। अगर आपके 2 से 3% ऊपर या फिर नीचे, यानी कि अप या फिर डाउन होते हैं तो आपकी रैंक में अधिक मात्रा में ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि अगर आपकी 5000 रैंक आनी है, आपके नंबर है 44, आपके परसेंट है 44, अगर आपके परसेंट 44 से 42 भी हुए तो आप ऐसे नहीं कि आप 5000 से 5200 की रैंक पे जाएंगे, आप सीधा जाएंगे 6000 की रैंक पे। इतना आपको जो लॉस है इसका देखना पड़ सकता है। अब बात करते हैं अब की बार की, जो 2019 की अपने बात करते हैं कि 2019 में एवरेज आपको कितना स्कोर करना चाहिए ताकि
आप या ना तो इजी, टफ या फिर मॉडरेट, तीनों में से कोई सा भी एग्ज़ाम आ जाए आप सेफ जोन में रहें। एक बार दोबारा बताता हूँ कि 2019 में आपको कितना स्कोर करना चाहिए, कितने परसेंटेज का स्कोर करना चाहिए ताकि पेपर चाहे जैसा हो, चाहे इजी हो, चाहे टफ हो या फिर मॉडरेट हो, आप सेफ जोन में रहें। इन डाटास को देखने के बाद अगर आप 45 के अंदर स्कोर करते हैं, अंडर 45 परसेंटेज में स्कोर करते हैं, तो आपके रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं अंडर 5000 ऑल इंडिया रैंक में। अगर आप 45 के लगभग स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ते हैं 5000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर रहने के, और अगर आप 35 के लगभग स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं 10000, अंडर 10000 के स्कोर के अंदर रहने के। यानी कि आप अगर 35 से 45 के बीच में अगर आपका स्कोर होता है, 35 से 45 के बीच में अगर आपका स्कोर रहता है तो आपके चांसेस बनेंगे 5000 से 10000 की रैंक के बीच में रहने के। अगर आप 35 से 45 परसेंट के बीच में स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं 5000 से 10000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर रहने के, और अगर इतने आप स्कोर करते हैं तो आपको मिलेगा आपकी पसंदीदा NIT, IIT और IIIT में बेटर ब्रांच में, बेटर प्लेसमेंट में प्रवेश। अब आपको देखना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। जेई में जेई एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 9 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया होगी, कितनी आपकी फ़ीस लगेगी, उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, तो वो वीडियो आप यहाँ वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पे। थैंक यू, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।